आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर जनपद के बिंदगी नगर की महाजनी गली कजियाना निवासी एक कारोबारी की रविवार की देर रात धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हमले के वक्त वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। 36 वर्षीय मृतक अमित गुप्ता पत्नी पूनम के साथ मुंबई के भिवंडी में करीब 10 वर्षों से रह रहे थे। मृतक का मुंबई में धागा बनाने का कारखाना था। 24 जनवरी को कारोबारी चचेरे भाई की शादी में शामिल होने अकेले बिंदगी आए हुए थे। रविवार शाम पत्नी पूनम भी दो बच्चों के साथ आ गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने इस घटना के बारे में बताया कि देवगंध की मां माधुरी गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गठित टीम भी जल्दी घटना का खुलासा करेगी। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ जावेद अहमद की रिपोर्ट। बिंदकी कस्बे में 36 वर्षीय अमित गुप्ता नामक व्यक्ति की जो मुंबई में रह करके लूम की किराए पे मशीन लेके काम करते थे और मिड डे मील सप्लाई करते थे, इनके सिर में और गर्दन पे वार करके हत्या कर दी गई है। घर में परिवार के साथ सोए थे। एक सप्ताह पहले ये आए थे, कल इनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आई थी। इनकी माता जी के द्वारा अभी पंजीकृत कराया गया है। सर्विलांस टीम और हमारी फोरेंसिक टीम मौके पे है। डेड बॉडी मॉर्चरी भेज दी गई है। मैं स्वयं मौके पर गया था। प्रथम दृष्टया इसमें जांच में बात आई है, पति और पत्नी में आपसी काफ़ी मनमुटाव था और संभवतः इसी का यह परिणाम है। घर में जाने का कहीं से रास्ता नहीं है और घर के कमरे के अंदर में घटना हुई है। पत्नी इस बारे में बिल्कुल मौन है, कुछ बता नहीं पा रही हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर हम इसका शीघ्र ही अनावरण करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्रेयस उमर। ये जो घटना हुई है कि ये कौन, किस, क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आपके कौन है? ये अमित कुमार गुप्ता हैं और ये मेरे मामा हैं जो मुंबई में रहते हैं, लेकिन इतने समय उनके चाचा के भाई की शादी थी तो इसलिए महाजनी गली घर अपने आए थे 5 दिन पहले। अच्छा, और कल इनका परिवार आया है, मामी और दोनों बच्चे। अच्छा, कैसे, क्या है मामला? 2 बजे मेरे पास फोन आया मेरी नानी का कि घर आ जाओ, मामा को कोई मारकर चला गया। तब हम लोग गए तो शायद ये 1:30 बजे की वारदात थी और उसी समय जब घर में गए तो बच्चे बता रहे थे कि गेट के पास कोई खड़ा था, गेट खुला हुआ था जबकि पूरा घर पैक है, गेट जल्दी मतलब ऐसे नहीं खुल सकता। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।